नमस्कार, समृद्ध भारत न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने की वजह से जगह जगह पर रोड शो आतिशबाजी कार्यकर्ताओं द्वारा करके खुशी को जाहिर किया गया। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जीतने की खुशी में विश्वास नगर की गली नंबर 17 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व भारतीय जनता पार्टी के विश्वास नगर के विधायक ओम प्रकाश शर्मा द्वारा रंगों के साथ साथ आतिशबाजी व डीजे पर देशभक्ति गाना के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा रोड शो कर अपनी खुशी को जाहिर किए तथा पूरे क्षेत्र में रोड शो के दौरान इस कार्यक्रम को मनाया गया, जिसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अनुपम अपार्टमेंट पर रैली की समाप्ति की गई। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर सिंह और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं हर राज्य में अपनी छाप छोड़ी और एक ऐतिहासिक जीत जो है वो हासिल की है। ऐसे में आज दिल्ली में विश्वास नगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो पूरी विधानसभा में जश्न का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। होली के गुलालों के साथ साथ अगर बात की जाए मिठाई की या बात की जाए पटाखों की, तो होली और दिवाली एक साथ मनाने का काम किया गया है। ऐसे में आचार्य मनोज जी, जो कि एक समाजसेवी, एक स्वयंसेवी के रूप में काम करते हैं अपने क्षेत्र में, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। आप हमें बताएं अपने शब्दों में कि किस तरीके से आज जो है आप अपने क्षेत्र की जनता का अभिवादन जो है वो कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो हर्षोल्लास की हम लोगों के लिए बात ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा स्थिति में उत्तर प्रदेश की चरम व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। अपराधियों का, माफियाओं का बोलबाला था। जब से योगी बाबा आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो कहीं हद तक लगभग मैं समाप्ति की ओर कहूँगा, इस पर लगाम लगी है। और अब दोबारा से फिर 5 वर्ष के लिए योगी बाबा आ गए हैं, तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से जिएगा। माताएं बहनें बहुत अच्छे से काम करेंगी बिना किसी डर के, और बहुत अच्छा उल्लास रहेगा। अगर बात की जाए आचार्य जी आपके क्षेत्र की, तो आज किस तरीके की योजना के साथ आप ये जीत का जश्न मना रहे हैं, किस तरीके से आप इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये जीत आम लोगों की जीत है जी। आज की जो जीत है वो एक भारत के उन्नति के रास्ते को आगे ले जाने वाले की जीत है जी। इसलिए आज हम बड़ी खुशी और तन्मयता के साथ में आज हम इसे हर्षोल्लास के रूप में
जैसे कहा था मोदी जी ने कि 10 तारीख से ही होली मन गई है, तो होली तो अभी बहुत दिन के बाद की बात है, आज से ही हमारी होली प्रारंभ है। जैसा कि आचार्य जी आप जानते हैं कि कोरोना की अगर बात की जाए या कोरोना से पहले की या बाद की बात की जाए, तो आज की डेट में कोरोना एक ऐसी महामारी जो है वो विश्व स्तरीय एक मैं कहूँगा महामारी बन के देश में देखने को मिली। लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किया, काफ़ी सहयोग किया लोगों को, ऐसे लोगों को जो मैं कहूँगा भोजन से, पानी से, यहाँ तक कि जिनके पास रहने को छत नहीं थी लोगों ने उनको छत तक का सहारा दिया। तो ऐसे में बात की जाए अगर राजू आनंद जी की, अगर बात की जाए हरीश आनंद जी जिनको राजू भाई के नाम से भी जाना जाता है, तो उनका क्या सहयोग रहा आप हमें अपने माध्यम से बताएं। कोरोना काल में यदि मैं देखूं तो चाहे तो भोजन वितरण को लेकर हो जी, चाहे मेडिकल व्यवस्था को लेकर हो, राजू भाई 24 आवर्स तन्मयता के साथ में लोगों का सहयोग करते रहे। और मैंने देखा चाहे हेल्थ कैंप को लेकर हो जी, चाहे लोगों को बीमारी से जुड़ी कोई भी समस्या हो जी। एक मुझे वाकया याद आ रहा है, एक बूढ़ी वृद्ध महिला ईस्टर्जुन नगर में रहती हैं, किसी ने उनको टक्कर मार दी जी। और वो बेचारी कराह रही थी, और मैं देखा सुना लोगों से कि उनका कोई 4-5 घंटे किसी ने हेल्प नहीं की। राजू भाई ने तुरंत अपना काम छोड़ा और उनको इमिडिएटली हेड गवर हॉस्पिटल ले गए, पूरा उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा के, उनको दवा दिलवा के और उनकी मरहम पट्टी करा के उन्हें उनके घर छोड़ा। और उसके बाद उन्होंने इतिश्री नहीं हुई, हाफ सप्ताह तक उनकी दवाई की व्यवस्था राजू भाई करते रहे। तो इस मैं शीर्ष नेतृत्व से अगर कल टिकट मिलने की बात आती है तो ये मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे व्यक्तित्व को अवश्य अवसर मिलना चाहिए और ऐसे ही लोगों की समाज को आवश्यकता भी है। आचार्य जी अगर बात की जाए एमसीडी चुनाव जो कि आने वाले आगामी एमसीडी चुनाव दिल्ली में संभावित होने वाले हैं अभी, तो अगर बात की जाए आपके क्षेत्र की, आपके क्षेत्र में अलग अलग लोग दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे में अगर नाम लिया जाए हरीश आनंद जी का जिनको राजू भाई के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने काफ़ी अगर बात की जाए चाहे वो होर्डिंग पोस्टर की राजनीति हो या क्षेत्र में जाके जन जन से मिलने की राजनीति हो, तो उन्होंने हर तरीके से लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम किया है। आप भी जानते होंगे काफी चर्चित चेहरा है क्षेत्र का, तो इस पे आप थोड़ा अपना प्रकाश डालें। देखिए जहां तक हरीश आनंद राजू भाई को मैं जानता हूं, मैं कई वर्षों से जानता हूं और मैंने इनमें एक विशेषता देखी है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि वो 24 घंटे में 20 घंटे वाले काम करने वाले में से हैं, तो राजीव भाई के अंदर मैंने ये विशेषता देखी है। वाकई ये भी 24 घंटे में से 21 घंटे काम करने वालों में से इनको मैंने करते देखा है। किसी का फोन आ जाए, किसी का कोई अस्पताल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है या किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो मैंने राजू भाई को अक्सर ये देखा है कि रात के 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, एक फोन पर ये लोगों की जनता के साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता राजू भाई के अंदर मैं देखी है, और आलस्य नाम की 1% मैंने चीज राजू भाई के अंदर नहीं देखी। तो जहां तक मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व को अवश्य अवसर देना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व की मेरे प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्ति को जरूर अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति वाकई हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं जी। अगर बात की जाए आज के ऐतिहासिक जीत के जश्न की, तो उसमें हरीश जी का क्या रोल है, किस तरीके से वो अपना रोल जो है वो अदा कर रहे हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। राजू भाई का देखिए तो ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लिया हो, चाहे वो शराब नीति हो उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे एक आम आदमी को जो सुख सुविधाएं सरकार के द्वारा नहीं मिल पा रही हैं उसकी जागरूकता का अभियान हो, वो हर विषय को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ देते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर सिंह और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज। जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे, आज वो दिन आ चुका है। बात की जाए भाजपा की विजय की, दुनिया जानती है, हम लोग जानते हैं कि अगर बात की जाए भाजपा की तो कहीं ना कहीं जश्न का माहौल पूरे देश में है, और ऐसे में अगर बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली पीछे कैसे रहे। तो आज हम आ चुके हैं दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा में, जहां पे एक कर्मठी कार्यकर्ता जिसको मैं कहूंगा एक ऐसे समाजसेवी जो जनता के बीच में 24/7 देखे जाते हैं,
पाए जाते हैं। तो हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। आज आप जिस तरीके से देख रहे हैं हम कि आपने इतना अच्छा जश्न का एक माहौल बना रखा है, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप हमें बताएं कि इसमें ये करने में आपको किस तरीके से आपने सोचा, किस तरीके से आपने इस चीज को करने का ठाना और किस तरीके से सफल पूर्वक रहा आपके लिए, तो अपना पूरा सफर आज का जो है वो हमें कम शब्दों में बताएं। जी मैं बताऊंगा। पहले तो मैं आपके चैनल का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं जी। और इतने कम शॉट में आपने मेरे लिया, क्योंकि विजय जुलूस निकल रहा है। ये जुलूस हमारे मंडलाध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहा है, श्री अमित जी के नेतृत्व में और माननीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी के नेतृत्व में, निगम पार्षद के नेतृत्व में चल रहा है। ये पूरी मंडल की टीम इसमें लगी हुई है, सबका सहयोग है, सबका साथ है। ये जीत यूपी में जिन मतदाताओं ने हमारे को मत का प्रयोग करा के हमें विजय श्री दिलाई है, माननीय श्री योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, हम उनको उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज पुनः हमारे दूसरी बार योगी जी की सरकार बनने जा रही है। इसमें प्रचंड बहुमत के साथ हम उनको बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं।